सुनेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। सूरज जी, सुनिए तो। सूरज जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कान अंदर लाइए ना। अरे जाइए जाइए संध्या जी, ये तो बहुत ही पुराना तरीका है रंग लगाने का, अब कोई नया तरीका लाइए ना। नहीं नहीं सूरज जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो मुझे ना, आपको एक बार सुनिए तो। नहीं, नहीं नहीं, आप बहुत बदमाश है। इतना तो समझ गया हूँ, आपके साथ रहते रहते। सूरज जी, आप गलत समझ रहे। सूरज जी सुनिए ना। क्या? सुनिए तो, एक बार सुन तो लीजिए ना मेरी बात। नहीं संध्या जी, आज मुझे कुछ नहीं सुना। आप एक काम कीजिए ना, कुछ अच्छा बहाना ढूंढ के लाइए रंग लगाने का। सुनिए ना सूरज जी, संध्या बिन्नी, ये ना लाडू, ये लाडू को थाल है ना, अपना बाबू से ना दे दिए। अरे बा के लिए खास बनवाया है होली के लिए। हाँ ले, जरूर से देती। ठीक है। बड़े टेस्टी है। देखते हैं, मोहल्ले वाले भी तो देखते ही हैं। सूरज जी,
ये संध्या भाभी को क्या हो गया? बिंद्री को क्या हो गया? संतोष, सूरज कट्टे, ऐसे सोच जिस दिया भूमि देवी पर क्यों चला गया? ये माला राम जी, सारे लोग देख रहे। एक तो बैल गाड़ी पर चढ़ गई, ऊपर से अरे के बावड़ो बना कर रही। हाँ। मुझे आपको ला 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 ला। रेस, देख लोग मजाक करना शुरू कर दिए, हंस रहे लोग। जाकर थारी लुगाई में समा जा। आप क्या कर रही हैं? चाहिए ना तेरी मर्जी में द्वारा मैं मुक्ति हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी ना? अब तो नहीं बताऊंगी, मैं भी नहीं बताऊंगी। जी क्या कर रही है? थारी लुगाई ने बोले नीचे उतर आए। अब वो मैं संतुड़ी संध्या बिन्नी का क्यों है? गोए वांग वांग तो कुछ डाली है। हाँ नहीं दाईसा, ऐसा कुछ नहीं है। संतोष, ये दाईसा क्या बोल रही है? के बावड़ी जिससे बातें कर रही है? दाईसा, मारी संध्या बिन्नी ऐसी ना है जे कोई भांग भांग के लड्डू ना खावे। मैं जानू मारी बीरणी ने। बीरणी नीचे उतर उतर। संतोष, हाँ? आज तो तेरी संध्या बीरणी है ना, भांग खाई है कि? मैं ना लड्डू की थाली भी नहीं थमाई थी अरुण भाई साहब के लिए। मन लगे है कि भाई खाली दो चार लड्डू। संतोष, ये दाईसा क्यों बोल रही है? दाईसा का बस चले तो राठी परिवार की तो नाक ही कटवा दे। अरे भांग के लड्डू उन्हें क्यों दिए? सूरजी, अब मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? आपको जाननी है मेरे मन की बात? हाँ। आप इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ। सूरज, थारी लुगानी नीचे उतर। अरे भांग के नशे में ना मगन हो रही दिखे। आई ना। अब तू शांत हो जा। जी बताइए। और पास आई है? आई ना। और पास आई। आपसे बात करना चाहते, मिलना चाहते। आप आगे सुनिए तो, अपने पते वो, हाँ, आप गुलाब जामुन की तरह लग रहे हो। बिल्कुल आपके जो आप गुलाब जामुन बनाते हो।
अरे ये तो सोले फिल्म की बीरू बन गए, अब इन्हें नीचे कौन लावेगा? बीनड़ी बावड़ो पर नमरा कर, नीचे उतर। माफी भाबो, बाबा साहब माफी, तो माफी, लेकिन मैं आज नीचे नहीं उतरूंगी। रे सूरज, रे थारी बीनड़ी ने ना हवाई जहाज से नीचे उतार दे, यहाँ उड़ती आ रही है, हाथ पकड़। बहुत ऊपर उड़ रही हूँ, अब नहीं आऊंगी नीचे। अरे जी, आपको मुझसे बात करनी थी ना, लो मैं आ गया। आप तो अभी यहाँ थे ना, क्या कैसे आ गए? दीपक के आने की खबर आपको नहीं बताऊंगी। दीपक? 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 दीपक कौन है? दीपक? दीपक? हो सकता है मैं दीपक का नाम लूं, ज्योति आ जाए। ज्योति? ये ज्योति कौन है? नहीं नहीं बताऊंगी। ये संतोष जी, दीपक ज्योति किसका नाम ले रही है संध्या बिंद्री? दीपक ज्योति, ये कौन, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप छोरा, अब जो दीपक ज्योति कौन है? नहीं नहीं बाबू, मुझे नहीं पता कौन है दीपक ज्योति, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किसके अपने हैं, इनके मायके में होगी कोई? कौन है संध्या जी, ये दीपक ज्योति कौन है बताओ ना। लो, आपको इतना भी नहीं पता? आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना? मैं क्यों मजाक करूंगा, मैं सच नहीं पता कौन है दीपक ज्योति। अच्छा देख, आगे आगे देख, अब नीचे आ जा। अब भावो इनको बोलो कि ये मुझे कान पकड़कर सॉरी बोले। नहीं भावो आप नहीं। हाँ सूरज जी आप। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी लुगाइयों के सामने कान ना पकड़ो। बता दीजिए ना। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। देखिए आप कोई दूसरा सवाल कीजिए ना, पहले वाला थोड़ा कठिन था। ठीक है, सबसे आसान सवाल। हाँ भी बताओ, एक और एक कितने होते हैं? दो। जेटी मिस्री ने भी पता है, दो दो दो। गलत। अब भाभी साहब ग्यारह। ग्यारह गलत। बीनड़ी, थारी जितनी किताबा किसने ना पढ़ी है ना, तू बड़ी समझदार है। एक काम, तू ही जोड़ तोड़ करके बता देना हमारे को। एक और एक तीन होते हैं। हाँ, तीन ही तो होते हैं। लगे हैं ये तो पागल आए गए हैं। तीन ही तो होते हैं। देखिए अब बोल देता हूँ, एक और एक तीन होते हैं। संध्या बिंद्री बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा। वो सूरज अरे को जो चाहिए वो दे देगा। सच्ची बाबा साहब? बेटा पहले नीचे उतर आ जा। सुना आपने सूरज जी, बाबा साहब ने क्या कहा? अब मैं आपसे जो मांगूंगी ना आप मुझे लाके देंगे। हाँ हाँ मैं लाके दूंगा। बोलिए ना, आप क्या चाहिए? आपको कैसा? वही लाके दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए इमली। इमली अभार ले।
रेमली बिन्नी, हरी जेठानी थारे को बुला रही। जेठानी जी, मैं तो यही हूँ, बताइए क्या क्या बताना है आपको। लो आगे बता दीजिए ना। सूरज जी, आप तो बुद्धू के बुद्धू ही हो। आपने अभी यही समझा? जाइए, मैं आपसे बात ही करूंगी। मत कीजिए ना, देखिए मैं नहीं आऊं। प्लीज प्लीज आप पहले बताइए मैं क्या बोल रही हूँ, समझिए मेरी बात को। बिन्नी नीचे उतर जा। बिन्नी देख, गली मोहल्ले वाले ना, बूढ़े लुगाई टाबर, देख सब के हंस रहे। तू तो हमारी सबसे सयानी बीननी है ना? हमारी सबसे लाड़की बीननी है ना? हमारी बात कदे ही न टाले। चल नीचे उतर जा। नहीं भावो, लेकिन ये केवल ही बात है ना, मैं नहीं मानूंगी यार। अरे थारे को जे करना है कर, पर नीचे उतर जा हमारी माँ। एकदम सही जवाब भाबो, खुद सही जवाब, यही यही तो पूछ रही थी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।